एगो सुअर दो बकरी और लाइका के चांदी का चेन, ये सब का जुगाड़ हो चुका है। ब्याह में 40 लोग आएगा हमरा। ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हैं, गाँव में इज्जत है हमरा। चाचा आज भी दारू पी के गिर गया है। ये जो छोटे छोटे खुशहाली के जो पल होते हैं, गांव में कैसे जिए जाते हैं, उसके ऊपर हमने फिल्म बनाया। एक गांव का लड़का प्यार करता है, एक गांव की लड़की जब प्यार करती है तो उसका कमिटमेंट क्या होता है, एक गांव का लड़का जो मुसहर समाज से जो अंतिम व्यक्ति है वो जो मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत को किस नजरिए से देखता है। पढ़ाई करना है या नहीं करना? अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। मुझे चाहिए था घिसा हुआ कपड़ा। घिसे हुए कपड़े में और पुराना दिखाने में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हम गांव में गए, गांव में जो गांव के लोग हैं उनसे कपड़े लिए और उनके उनको नए कपड़े दिए और वो मुसहरों के कपड़ों को हमने अपने कैरेक्टर को पहनाया और 2 महीने वो पहना के रखा, उनको नहाने नहीं दिया। खुला में खाते हैं, फिर हम तो मुसहर हैं, हम कैसे पाखाना बनाएंगे? आज तक इस गांव में मुखिया मुसर नहीं बना है। पहली बार मुसर टोली में शर्मा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। अब मुसर सभी बाईजी का नाचना चाहेगा, यही दिन देखने के लिए बचे। बाबू से मुंह लड़ाएगी, कोर्ट से बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। सुजीत दा का जो वो था, सुजीत दा ने फिल्म देखी थी, उनकी फिल्म जब इफ़ी में हमारी फिल्म प्रीमियर हो रही थी तो उनकी फिल्म अक्टूबर भी वहाँ थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म देखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया हो। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसहर लड़की बुधनी का नाम दिया है। आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी ने खुले में शौच का सवाल उठाया और 70 बरस बाद वही सवाल फिर उठा है बुधनी के जरिए। वो कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है, हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गांव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करते हैं। हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब से ब्याह किए हैं हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गया। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार ने लिखा, अभिनेता मनोज वाजपेयी ने तारीफ की और पंकज त्रिपाठी को तो मानो तारीफ के शब्द कम पड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों और समीक्षकों की पहली पसंद बनी फिल्म भोर अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। भोर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार के मसूहर समाज के को लेकर बनी इस फिल्म की कहानी कैसे, इस फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह को सूझी, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये फिल्म की कहानी कैसे सूझी आपको? पहले तो आपका धन्यवाद, आज तक का धन्यवाद कि वो इतने दूर दराज के इलाके में मुझ तक पहुँचे हैं, तो आप सबका धन्यवाद। जो भोर की जो कहानी है वो क्योंकि मेरे माता पिता बिहार से हैं और मेरा जन्म आसाम में हुआ, पर मेरे जो समर वेकेशंस थे वो हमने बिहार में बिताई, तो इसलिए जब हम अपने गांव जाते थे तो मुसहरों से बहुत इंटरेक्शन होता था। और जब हम कॉलेज में समाज कार्य की पढ़ाई कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि वो लोग विकास से बहुत दूर हैं, हमारे आसपास रहने के बावजूद भी उनसे विकास बहुत दूर है। पर जब मैं अपने गांव जाता था और उनसे जब बातें करता था तो मुझे ये लगता था कि वो बहुत खुशहाल लोग हैं, तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है उसको देखते हुए मुझे बड़ा खुशी होती थी। तो जब हमने कहानी के बारे में सोचा और जब देखा कि सैनिटेशन पे पूरे देश में बात हो रही है, शौचालय के ऊपर बात हो रही है, इससे पहले की सरकार और अभी की सरकार दोनों शौचालय को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा काम करना चाहते थे, तो मुझे लगा कि जब सैनिटेशन की जो बात है जब मुसहर तक पहुंचेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और राजनीति में कुछ लोगों को वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं मुसहरों में, पर उनका जो समाज है वो अभी भी बहुत सारी मतलब ब्यूरोक्रेसी से वंचित है, पुलिस में नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो अगर जब उन तक शिक्षा पहुंचेगी तो वो कैसे उसको देख के रिएक्ट करते हैं, तो इस पे। और मुझे लगा महिला उसमें कैसे रिएक्ट करती है, तो महिला ऐसे भी जो पूरे के पूरे समाज में हमारे थोड़ा पीछे हैं,
उसमें जब मुसहर समाज जो सबसे पीछे है उसकी महिला कैसे रिएक्ट करती है, इसको देखकर हमें एक कहानी सुझा। और क्योंकि हमारा हमारे जो गांव का की जो संस्कृति है वो उसमें बहुत सारे रोचक चीज़ें होती हैं, शादियां कैसे होती हैं, क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में हमने शहरों की शादियों को दिखाना शुरू कर दिया, अमीरों की शादियों को दिखाना शुरू कर दिया, पर जो गांव के लोग हैं उनकी शादियां कैसे होती हैं, उसमें विदाई होता है तो कैसे लड़की रोती है, उसमें अगर शराब पीते हैं तो लोग कैसे गिरते हैं, तो ये जो छोटे छोटे खुशहाली के जो पल होते हैं गाँव में कैसे जिए जाते हैं उसके ऊपर हमने फिल्म बनाया। एक गाँव का लड़का प्यार करता है, एक गाँव की लड़की जब प्यार करती है तो उसका कमिटमेंट क्या होता है, एक गांव का लड़का जो मुसहर समाज से जो अंतिम व्यक्ति है वो जो मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत को किस नज़रिए से देखता है। अब रेबेन का चश्मा शहर का लड़का लगा सकता है, जब एक मुसहर का बेटा जब काला चश्मा लगाएगा और लाल पैंट पहनेगा तो उसमें जो उसकी बात है, उसकी जो उसमें टशन है, जो उसमें खसक है, उस बात को दिखाने के लिए मैंने बोर बनाया। तो सर कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदारों की तलाश को लेकर भी एक आपकी एक अलग सोच रही होगी, तो क्या सर वो सोच थी सर? देखिए क्या है कि मैंने जीवन भर अभी भी यहाँ डॉक्यूमेंट्री करने आया हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्री करता रहा हूँ। ट्रैवल एक्सपी एक टीवी चैनल है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल चैनल है। तो जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम लोगों को हम भारतीय सिनेमा में कुछ पिछले 2-3 दशकों में अगर हमें अकाल भी दिखाते हैं तो लोगों के साफ कपड़े होते हैं कि 5 साल से बारिश नहीं हुई है पर उन सबके साफ कपड़े हैं। तो मुझे ये दिखाना था कि यथार्थ में कैसा दिखता है और मुसहर समाज को किसी ने अपने कैमरे पे इतना एक्सपोज नहीं किया था। तो मैं जब अपने कैमरे पे एक्सपोज करना चाहता था तो जैसे दिखते हैं वैसा दिखाना चाहता था। और उसके लिए मुझे थोड़ा जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो वैसे लोग ढूंढने पड़े, 6 महीने की कास्टिंग थी, फिर पहले गांव गए, पहले तो सोचा कि हम शहर के कुछ लोगों को लें, मतलब नोन जो हिंदी सिनेमा में जो काम करते हैं उनको लें, पर वो इतना समय नहीं देना चाहते थे। फिर हम गांव गए, गांव में जाके लोगों को खोजा, फिर समझ में आया कि उनकी ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी, 1 साल मुझे देना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग करने में, एक्टिंग में। फिर शहर आए, नए एक्ट्रेसों को खोजा, उनको लेके गए, पर वो सब अर्बन थे। आज के डेट पे हर आदमी, इवन हम ओरछा में हैं, दूर है, पर ये भी अर्बन है। जो गांव का आदमी है वो कैसे देखता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मुझे वो सारे लोगों को गांव लेके जाना पड़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करनी पड़ी। फिल्म को लिखते हैं, किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं तो उसमें हमको डूबना होता है, उसकी डेप्थ में जाना होता है, तो उसको लेकर सर कोई खास तरह की तैयारी की हो आपने? सर देखिए उसमें कास्टिंग को लेके भी तैयारी थी, उसको उसमें लेके कॉस्ट्यूम को लेके तैयारी की मैंने। देखिए क्या होता है कि जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो आपको दृढ़ निश्चय करना होता है कि आपको चाहिए क्या। तो मुझे याद है कि एक बड़े नामचीन कलाकार हैं तो मैं उनके पास गया, उनको कहा कि आप ये रोल कर लीजिए, आप ये रोल। उन्होंने कहा नहीं मैं ये रोल नहीं, ये रोल करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत क्लियर था तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि आप जब पहली बार अपनी फिल्म बनाते हैं तो लोग होते हैं जो उनको लगता है नहीं ये नया लड़का है इससे मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। तो आप अगर अपने दिमाग में इस बात को आप क्लियर हैं आप कि आपको करना क्या है, आप किस तरह का सिनेमा बनाना चाहते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दृढ़ निश्चय आपके दिमाग में करना होगा कि आपको कॉस्ट्यूम किस तरह का चाहिए। मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने मुझे कहा कि जब जो पहली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी कि मैं पटना से बाहर नहीं जाऊंगी और जो भी आप मुझे रेफरेंस फ़ोटो में खींच के दे दीजिए और मैं वैसा कॉस्ट्यूम बना दूंगी कैरेक्टर्स के लिए, जहां कि मुझे चाहिए था बहुत ऑथेंटिक। तो वो चाय के उसमें पानी में डाल के कपड़े को पुराना, वो कितना भी आप पुराने कपड़े को पुराना कर दीजिए वो नए कपड़े को पुराना कर दीजिए वो पुराना नहीं होता है। तो मैंने मुझे चाहिए था घिसा हुआ कपड़ा, घिसे हुए कपड़े में और पुराना दिखाने में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हम गांव में गए, गांव में जो गांव के लोग हैं उनसे कपड़े लिए और उनको नए कपड़े दिए और वो मुसहरों के कपड़ों को हमने अपने कैरेक्टर को पहनाया और 2 महीने वो पहना के रखा, उनको नहाने नहीं दिया। सर कॉस्ट्यूम कलेक्शन को लेकर भी सर एक अलग कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग बात है और वो आप शेयर करें सर? कहीं मैंने पढ़ा कि कॉस्ट्यूम को लेकर आप अलग से आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किया था, उसके बाद फिर गांव वालों के बीच में जी आपके बीच में तो क्या हुआ कि पहले तो कॉस्ट्यूम वही है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो बॉम्बे से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जाने वाली थी वो गई नहीं। तो फिर जो मेरी मुझे असिस्ट कर रही थी संध्या यादव, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे मदद करिए और आप इसका कॉस्ट्यूम पूरा देखिए। तो उन्होंने पूरे गांव-गांव में घूम के
अलग अलग जगह जाके वो लोकल कपड़ा सोर्स आउट किया लोगों को। पहले तो देने को तैयार नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जादू टोना पे आप वो करते हो कि कोई किसी का कपड़ा कैसे दे दे। फिर हमने विश्वास दिला कि कोई भी कम्युनिटी कुछ टाइम लेती है, 5-7 दिन लेती है आपको एक्सेप्ट करने में, पर एक बार आपको एक्सेप्ट कर लेती है फिर तो आप उनके घर वाले हो जाते हैं। 2 महीने चाहे वो मुसहर समाज के लोग हों वहाँ या अन्य समाज के लोग हों, सबको ये लग रहा था कि उनके घर का कार्यक्रम है और वो उस कार्यक्रम के हिस्सेदार हैं। और इस तरीके से हमने उस गाँव में, पेंगरी गाँव है नालंदा ज़िले में, वहाँ पर हमने शूटिंग करी और मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरा जो गांव है बिहटा के पास है, बिहटा पटना जिला में एक गांव पड़ता है, एक कस्बा है, उसमें एक गांव है बिलाप, वहां का रहने वाला हूं। मुझे अब लगता है कि जो पेंगरी गांव है वो भी मेरा उतना ही अपना है जितना बिहटा के पास जो बिलाप है। लेकिन सर फिल्म का नाम भोर ही क्यों? देखिए भोर इसलिए क्योंकि सुबह होती है, उस लड़की के जीवन में सुबह होता है, मुसहर समाज के जीवन में सुबह होता है, और इसी सुबह में वो लड़की सैनिटेशन के लिए जाती है और इसी भोर को अपने जीवन में भी दर्शाती कि एजुकेशन आया, विकास के अलग अलग प्रकल्प आए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ों को लेके मैंने भोर रखा। पहले अलग अलग शुरुआत में कुछ और नाम रखा था पर फिर हम इस पे आए। सर ज़्यादातर पूरी की पूरी शूटिंग जो है भोर की बिहार में हुई है, तो शूटिंग के दौरान सर कोई क्या दिक्कतें आपको लगी या नहीं लगी या कैसा लगा आपको पूरे शूट के दौरान? शूटिंग के 20% दिल्ली में हुई है और एक पार्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हमने शूट किया जो लास्ट का क्लाइमेक्स है। बिहार में 70% शूटिंग करी हमने। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, फिर फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गया, मुझे लोकेशन पे ऑन ये सिंक साउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड करना था। तो म्यूज़िक डायरेक्टर मान गए, बहुत चर्चित बहुत नामी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मैं अपने पैसे लेके गया था उनको देने के लिए, मतलब अब एडवांस देना था मुझे। उन्होंने कहा अच्छा म्यूज़िक कहाँ करेंगे? मैंने कहा मैंने तो आपको बताया था पटना में करेंगे, पटना से 100 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं पटना के बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं, मैं मुसहरों के गांव में, मुसहर टोला में जहां नाच नहीं आया वहां ले जाके रिकॉर्ड करना चाहता हूं म्यूज़िक। सो दैट्स वाज माय विज़न, दैट वाज माय विज़न। तो वो जब उन्होंने मना कर दिया तो क्या नाम है, मैं गया वापस आया वापस दूसरे म्यूज़िक डे, गुलराज सिंह ने वो म्यूज़िक किया उसका, उस गाने का, और उन लोग गए वहाँ पे गांव में रिकॉर्ड किया। मुझे ये लगा कि बिहार में लोग जाने से डरते हैं, शूट करने से डरते हैं। ऑनेस्टली जब मैं गांव में गया और लोग इतने वेलकमिंग थे वहाँ के, लोगों ने जितना प्यार दिया मुझे, मैं भावुक हूँ वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोगों ने अपने घरों को दिया, क्योंकि मेरे जो DOP से जो HODs थे फिल्म में, DOP, साउंड डिज़ाइनर, मैं, मेरे सारे असिस्टेंट्स सब गांव में रहते थे, सारे एक्टर्स 2 महीने गांव में रहे। लोगों ने अपने घर दिए, एक गर्मी का दिन था तो एक आदमी ने तो अपने घर में AC लगवाया। तो इतने अच्छे लोग मुझे नहीं लगता कहीं और मिलते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लोग बहुत अच्छे हैं। तो गांव के लोग, मुझे ये लगता है कि गांव के लोग बहुत सिंपल और बहुत अच्छे होते हैं। तो बिहार में भी सारे लोग अच्छे थे। सर कुल कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं अब तक फिल्म? देखिए 28 फिल्म फेस्टिवलों में जा चुकी है, जिसमें कायरो में 2019 में भोर इकलौती भारतीय फिल्म थी जो कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई। मुझे ओटावा इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। क्लाइडोस्कोप बोस्टन US में एक फेस्टिवल होता है, वहाँ मुझे फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़ मिला, और नलनीश नील को बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल मिला। और 28 अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और जहाँ पर भी गई है वहाँ लोगों ने इसे बड़ा सराहा है। लोगों का कहना होता है कि एकदम असली लगते हैं, क्या ये एक्टर्स नहीं कहीं गांव के लोग हैं क्या? और मुझे बताना पड़ता नहीं, ये गांव के लोग नहीं हैं। हमेशा ये कहते हैं कि निगेटिव रोल इस फिल्म में किसका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कहानी में, इस कहानी में बिना निगेटिविटी क्रिएट किए हुए मुझे कहानी कहनी थी और वो कहने में मैं सफल हुआ, मुझे ये लगता है। सर तो अब इतने सारे अवार्ड्स मिल गए तो सर उसके बाद सर आप क्या सोचते हो और क्या करना चाहते हैं? सर दूसरी फिल्म बनाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। मैं जिस चैनल के लिए काम करता हूँ वो करता रहूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहूँ, भारत की संस्कृति, दुनिया की संस्कृति को एक्सप्लोर करता रहूँ, ये एक आयाम है। दूसरा ये है कि मैं अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जल्दी एक खुशखबरी दूंगा आप लोगों को। वो जम्मू कश्मीर पे है और मुझे हमेशा लगता है कि जो कहानियों को, जो हमारी आँखों से
नहीं देखी जाती, फिल्मकार एक कहानीकार उस कहानी को खोजने में सक्षम होता है, तो वैसे ही कहानी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ अगली बार दोबारा। और यही सर, सोशल मीडिया पर आपकी जो फिल्म है उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है, तो कोई ऐसा कॉल हो, ऐसा कोई मैसेज हो जिसने आपका दिन बना दिया हो आपकी फ़िल्म को लेकर सर, तो उसको हम हमारे साथ शेयर करें। सुजीत दा का जो वो था, सुजीत दा ने फिल्म देखी थी, उनकी फ़िल्म जब इफ़ी में हमारी फ़िल्म प्रीमियर हो रही थी तो उनकी फ़िल्म अक्टूबर भी वहाँ थी, उसके बाद उन्होंने जब फ़िल्म देखा उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किए हो, वो मुझे बहुत पसंद आया। मेरी माँ ने कहा कि ये मेरे गांव के मुसहर लग रहे हैं, वो मुझे बहुत छूता है। तो रोज़ कोई ना कोई ऐसी बातें कर देता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी आर्टिकल में लिखा कि ये फ़िल्म ज़रूर देखनी जानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत खुशी देती है आपको। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर सर क्या सोचते हैं आप, क्या आपको नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बढ़ती जा रही है? नहीं, मैं ठीक है, देखिए जो कंज्यूमर चाहेगा वो बनाएगा, वो जो मेकर है और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप है। मुझे किस तरह की फ़िल्म बनाना है ये मैं इस बात में मैं क्लियर हूँ, और लोग क्या बना रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसलिए वो बना रहे हैं, तो वो उन पे छोड़ देना चाहिए, मुझे जो बनाना है मैं उस बात। बिहार में सर फिल्म सिटी बनना चाहिए? हाँ ज़रूर बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश में बनना, हर मध्य प्रदेश फिल्मों पर इतना काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है, फिल्म टूरिज्म बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश की, और हर राज्य को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं और लोग, फिल्म सिटी तो बननी चाहिए बिहार में। सर कोई अपना आने वाला जो प्रोजेक्ट हो उसको, उसके बारे में आप व्यूअर के साथ कुछ शेयर करना चाहें हमारे माध्यम से सर? जम्मू कश्मीर पर मैं कहानी लिख रहा हूँ और वही आएगी जल्दी। तो ये कामाख्या नारायण सिंह थे भोर फिल्म के डायरेक्टर, जो फिल्म के बारे में बता रहे थे और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को लेकर एक नई फिल्म के साथ दर्शकों के सामने आएंगे कामाख्या नारायण सिंह जी। आज तक की हम सब की दुआएं उनकी अगली फिल्म के जो सफल होने की है वो है। आज तक के लिए ओरछा से मयंक दुबे।